के साथ शेयर करने वाली हूँ ये इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। तो सामने वेडिंग सीजन आने वाली है, सो मुझे लगती है कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। एंड आप देख सकते हो मैंने ये इयररिंग्स एंड ये बिंदी लगाई हुई है। एंड मैंने जो लिप शेड मैंने अप्लाई किया है वो एक पिंकी कोरल कलर की मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है। आप चाहो तो इसके जगह आप रेड कलर की लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने इस लुक को कैसे अचीव किया है, सो चलिए जल्दी से वीडियो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ गुड वाइब्स का गोल्ड फेशियल ऑयल। एंड ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है ये प्रोडक्ट, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज करती है। एंड सारे जो प्रोडक्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ मालियों का प्राइमर। तो मैं जहाँ पर मैं लगाती हूँ वहाँ पर मैं लगा रही हूँ टी जोन एरिया पर। एंड उसके बाद मैं बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये जो प्राइमर है ये सिलिकॉन बेस्ड नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छे से आपकी जो भी ओपन पोर्स है उसको बहुत अच्छे से फील कर देती है। एंड उसके बाद मैं अपनी लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी निविया के लिप बाम से, ताकि मेरी लिप्स हाइड्रेट रहे। एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी फिट मी का फाउंडेशन। एंड शेड वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड मैं बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। एंड मैं यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं अपने नेक पर भी लगा लूँगी एंड अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं सेम मेबेलिन का फिट मी कंसीलर को मैं अपनी अंडर आइज़ पर एंड जहाँ पर भी मैं लगाती हूँ वहाँ पर मैं लगा रही हूँ। एंड ये जो कंसीलर है वो काफ़ी अच्छी है। एंड मैं अपनी फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड मैं अपने आईलिड्स पर भी लगा रही हूँ एज ए आई शेडो बेस। एंड मैं अपने आईब्रोज़ के आसपास भी मैं लगा रही हूँ। एंड उसके बाद मैं अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी सेम ब्रश की मदद से। एंड यहाँ पर आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट। एंड मैंने जहाँ पर भी मैंने कंसीलर लगाई थी उसको मैं बहुत अच्छे से मैं लॉक कर लूँगी। एंड मैं अपने फुल फेस पर भी लगा रही हूँ ये सेम कॉम्पैक्ट। एंड नेक पर भी मैं लगा रही हूँ। एंड उसके बाद मैं ये पैलेट में से ये ब्राउन शेड को मैं अपने क्रीज पर मैं प्लेस कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, सो आप कम अमाउंट में सबसे पहले लीजिएगा। एंड मैं अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ब्लेंड बहुत अच्छे से करनी है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। एंड उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड की ये शेड लूँगी एंड सेम मैं अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करूँगी एंड अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। एंड सेम पैलेट में से मैं ये जो ब्रॉन्जी गोल्डन शिमरी शेड है वो मैं अपनी फुल आईलिड्स पर मैं लगा रही हूँ एंड फिंगर की मदद से मैं लगा रही हूँ। एंड उसके बाद सेम पैलेट में से मैं ये गोल्डन शेड लूँगी एंड मैं अपनी आईलिड्स के बिल्कुल मिडिल पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड इससे बहुत ही अच्छा लुक आती है। एंड उसके बाद सेम मैं ब्राउन और मैट ऑरेंज शेड को मैं अपने लोअर लैश लाइन पर मैं लगा रही हूँ एंड इससे काफ़ी अच्छी लगती है। एंड उसके बाद मैं ये कलर एसेंस के आईलाइनर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। एंड ये जो आईलाइनर है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। एंड ये आईलाइनर जो है वो मुझे लगती है कि परफेक्ट है ब्राइड के लिए। एंड सो उसके बाद मैं फॉल्स आईलाइनर्स में अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं ये एसक्यू का काजल ले रही हूँ एंड मैं अपने लोअर लैश लाइन पर मैं लगा रही हूँ अच्छे से। एंड ये जो काजल है वो काफ़ी ब्लैक है एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये जो काजल है। एंड उसके बाद सेम मेबेलिन के पैलेट में से मैं ये ब्राउन शेड को ले रही हूँ एंड मैं अपने आईब्रोज को मैं ड्रॉ कर लूँगी। सो या एंड उसके बाद सेम ब्राउन शेड से मैं अपने फेस को कंटूर कर ले रही हूँ एंड नोज को भी मैं थोड़ी सी कंटूर कर लेती हूँ। एंड उसके बाद वेट एंड वाइल्ड की ये पिंक शेड से मैं एज ए ब्लश मैं अपने एपल ऑफ चीक्स पर मैं लगा रही हूँ। उसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की, तो मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना का हाइलाइटर। एंड मैं जहाँ पर भी मैं हाईलाइट करती हूँ अपने फेस को वहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगी क्यूपिड्स बो चिन, अपनी चीक्स पर एंड फोरहेड पर एंड थोड़ी सी मैं अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ एंड फोरहेड
एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ NYBA का लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड इट्स वेलवेटी अंडर द ग्राउंड एंड मैं एक अच्छी सी मैं लिपस्टिक ड्रॉ कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेकअप फिक्सर एंड अच्छे से मैं अपने मेकअप को सेट कर लूँगी एंड उसके बाद मैं लगाऊँगी बिंदी एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक. मेकअप लुक एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी एंड अच्छी लगे तो क्या सोच रहे हो एक लाइक ज़रूर करनी है एंड शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिलीज के साथ. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आप सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आप कभी भी मिस ना कर पाओ. एंड मैं जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले इसके लिए साइड में एक छोटी सी घंटी वाला ऑप्शन आएगी सब्सक्राइब के साथ, तो उसको भी प्रेस कर दीजिए. एंड आज के लिए इतना सा, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पर एंड सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, सो कीप ऑन वॉचिंग. एंड आज के लिए इतना सा, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ. सो बाय बाय, लव यू ऑल.